पहाड़ और मैगी की बात अलग खाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर इन मनाली एंड इट्स डे 3 और स्नोफॉल हो रही है आज भी, क्योंकि आज हमें निकलना है तो स्नोफॉल का मज़ा हम रास्ते में चलते हुए लेंगे। तो यार कल जो थे हमारे कार्यक्रम आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखे ही। अब सीन जो है वो ये है कि हम जा रहे हैं नहाने और नहाने के बाद करेंगे क्या तैयारी एंड निकलेंगे वापस बैक टू दिल्ली। हाँ तो भाई अब हो गया है मनाली छोड़ने का टाइम और होटल से चेकआउट लेने का टाइम। चलते हैं बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। देखो यार कैसा है। ओहो स्नोफॉल हो रही है इस टाइम। तो यार जहाँ मैं रुका था उसका नाम था लैविश होटल। क्या नाम था भाई पूरा? लैविश लैविश स्टूडियो। ये ओल्ड मनाली में है। गूगल करना, मैंने ओयो से किया था। और ये रही हमारी सवारी आज के लिए दिल्ली तक, नहीं घर के लिए। यार कुछ इस तरीके से एक एक जो कारें हैं उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई भी चल रही है। नैरो रोड होने की वजह से एक एक कार, एक एक ट्रक एक एक बार में निकल रहा है। हमें इसीलिए बेसिकली जो टाइम लग रहा है लास्ट एक घंटे से, हम जो ट्रैफिक में फंसे हैं वो इसी की वजह से फंसे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो भाई मैं कुल्लू पहुंचने वाला हूँ। मनाली से चले हुए हमें हो गए हैं 2 से 3 घंटे और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 ही किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। तो यार अभी यहाँ पर हमने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया हुआ है। सीन कुछ इस प्रकार है अब कि पियेंगे चाय। यू नो व्यू के बारे में मैं क्या बताऊँ यार, मतलब सीरियसली इतना फाड़ व्यू है ना, मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस। हवा चल रही है और पंछी परिंदे उड़ रहे हैं। और यार चलिए चाय पीते हैं। यार यहाँ पर हमने बनवाया है ऑमलेट एंड चाय। खाते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा रोड पे। तो यार अभी मैगी ब्रेक लिया है हमने और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 8:33 और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा है। तो हम देखने जा रहे हैं मैच, लास्ट ओवर बचा हुआ है। कौन खेल रहा है सर? कोहली और धोनी। गया भाई साले, तब से था मैं। हम लोग पलेर की तरफ है सोहा घाट से पहले, वहीं पे यार मैगी ब्रेक लिया हुआ है। तो भैया यहाँ पर आ गई अपनी मैगी। पहाड़ और मैगी की बात अलग खाने जा रहे हैं। तो भाई सीन कुछ इस प्रकार है कि अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है कर्जा फोकस भाई मेरे 10:39 और हम मनाली से चले और सीधा आके रुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे, नहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो सीन कुछ इस प्रकार था कि यार हमने
अमरीक सुखदेव पे लिया था रेस्ट और वहीं पे हम 2-3 घंटे सोए थे। प्लान ये भी था कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब क्या सीन है कि यहाँ पे डीजल भरवाना है और सीधा निकलना है लखनऊ के लिए। मिलते हैं आपको कहाँ, रास्ते में। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि क्या पता इसके बाद कब आना हो। गाइज, इन केस इफ यू डोंट नो, तो यहाँ का जो टोल पड़ता है वो पड़ता है 585, यानी कि 585। कहाँ का? आगरा एक्सप्रेसवे का। भाई हंसरा देख के, अरे हंसी हंसी। ये जो था, ये हमारा आखिरी स्टॉप है। अब सीन कुछ इस प्रकार है कि हम जा रहे हैं वापस से लखनऊ, सोएंगे कंबल ओढ़ के दबा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पिछवाड़े के पकौड़े बन चुके हैं, यहाँ खाएंगे पैटीज। मिलते हैं आपको फिर से रास्ते पे। हाँ तो भाई, लखनऊ से आपका भाई रिपोर्टिंग। और अगर मैं बात करूँ आज के वेदर की, तो लखनऊ में जो सूर्य देवता जी जो है ना, वो एकदम आग बरसा रहे हैं। अभी आपका भाई रिसेंटली लौटा है मनाली से और स्नोफॉल से, तो ये जो गर्मी है वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। यार देखो, आज हम बात करने वाले हैं शक्तिमान की स्टाइल में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो जिसमें से छोटी छोटी जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं कि हमारा जो है कितने का फटका आया है ट्रिप पे, कितना यानी कि खर्चा आया है। यार देखो, टोटल जो फटका मेरा लगा है इस ट्रिप में वो लगा है 9000 के करीब, मतलब 9000 मेरा खर्चा हुआ है पूरी ट्रिप में। और बात करूँ कार में कितने का डीजल लगा, तो यार वो लगा है पूरा 10000 का, मतलब लखनऊ से दिल्ली, देन दिल्ली टू चंडीगढ़, एंड देन वहाँ से मनाली। तीसरी बात, मनाली जाते टाइम हम लोगों ने लखनऊ से कौन सा रूट लिया था, तो यार हमने लिया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से। हम लोग गुड़गांव गए सबसे पहले, गुड़गांव में स्टे किया, एंड देन वहाँ से निकले हैं सीधा मनाली के लिए। मनाली में, मतलब गुड़गांव से हम मनाली की बात करूँ, तो मैंने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया है। मतलब हाँ, छोटे मोटे चाय वगैरह वाले ब्रेक तो लगते हैं यार, क्योंकि आपका जो भाई है वो है प्रेमी चाय का, और चाय के बिना वो नहीं रह सकता। आज का व्लॉग हम यहीं पर ही एंड करेंगे, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि हम बात करते हैं, ऐश काटना है, मज़े करना है और ज़िंदगी जीना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है। So good morning friends from Manali, retake. Good morning friends, I'm here in Manali and it's... Good morning friends from Manali.